10 दिनों के भीतर यदि क्यारी सड़क का कार्य शुरू नहीं हुआ तो हम सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि अपनी सड़क के लिए हमें कानून भी हाथ में लेना पड़े तो हम इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। यह कहना है ग्राम पंचायत सरेन के क्यारी दकोना और शिलान वासियों का। लोक निर्माण विभाग और प्रशासन के चक्कर काट काट कर परियादी आज एक बार फिर एसडीएम चौपाल के दर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एसडीएम चौपाल चेत सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को एक बार क्यारी शिलान दकोना सड़क की दयनीय हालत से अवगत करवाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि मंडल ने विभाग के प्रति रोष जताते हुए कहा कि वर्ष 2007 में उनके गाँव के लिए सड़क के पहले चरण का कार्य आरम्भ हुआ था, जो वर्ष 2018 में 11 वर्षों के लंबे पीरियड में पूरा हुआ है। वर्ष 2019 में दूसरे चरण का कार्य आवंटित हुआ, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिस कारण लोगों को आवाजाही में तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही में सड़क के लिए दी गई भूमि पर अतिरिक्त प्राकृतिक कटाव होने के कारण सेब के बगीचों को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि लोक निर्माण विभाग ने उपमंडल में करीब 90% सड़क का कार्य एक ही ठेकेदार को दिया है, जिस वजह से सड़क के कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रही हैं। एसडीएम ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि इस विषय में लोक निर्माण विभाग और संबंधित ठेकेदार से बैठक कर कार्य को जल्द ही पूरा करने को कहा जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शुरू नहीं होता है तो हम हड़ताल पे बैठ जाएगा, हम कानून को भी तोड़ने में भी परहेज नहीं करेंगे। हम अपनी सड़क के लिए, अपने हक के लिए जिस हद तक हमें गुजरना पड़ेगा हम गुजरने को तैयार है, पर समय अपना हक चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे क्यारी क्षेत्र के लोग, क्यारी गांव के लोग। तो लगातार आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो भी आपके सामने थी, जिसमें क्यारी शिलान गांव के लगभग 4 गांव के लोग यहां मौजूद हुए थे और उन्होंने ये जानकारी दी कि यहाँ जो सड़क का कार्य है यदि ये शुरू नहीं होता तो धरना प्रदर्शन भी निश्चित रूप से किया जाएगा, किसी भी तरह का गुरेज नहीं करेंगे। लगातार इस सड़क के निर्माण को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि इनका ये कहना कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया, कोई भी इसमें सड़क को लेकर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। तो ये तस्वीरें आपको सीधी दिखाने की कोशिश, हमारी कोशिश रहती है हर जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाए। अगर लोक निर्माण विभाग की बात करें तो चौपाल में केवल मात्र एक यही सड़क नहीं, और भी बहुत सारी सड़कें हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चौपाल से सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।